हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, यहाँ पर बन रहा है ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ उखड़ पिंडी। एक्चुअली ये जो है वो महाराष्ट्र का फेमस नाश्ता है। ये ना आटे से बनता है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, एक बार बना के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक्चुअली ये ना आटे से बनता है और पेट को फुल भी रखता है, तो इसी वजह से काफ़ी टेस्टी भी लगता है। आपने खाया होगा तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं खाया है तो एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आपको। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा। और इसमें मैंने पहले डाला है ऑयल, और उसमें मैंने थोड़ा सा मूँगफली भून ली है। उसके बाद उसमें थोड़ा जीरा राई डाल के प्याज जो है वो भून लिया था। उसके बाद मैंने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, वो भी अच्छे से भून लिया था। उसके बाद कोई कोई लहसुन अदरक का पेस्ट डालता है और कोई नहीं डालता है, तो मैं डालती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसी वजह से। और उसके बाद आटा डाल देना है आपको, और इसमें ना थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगता है। तेल अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो ना तो इसकी टेस्ट अच्छी आती है, वरना इसकी टेस्ट थोड़ी सी बिगड़ जाती है। तो थोड़ा सा तेल आपको ज़्यादा ही डालना पड़ता है इस वाले नाश्ते में, और उसके बाद अच्छे से भूनना पड़ता है वो। थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है मैंने आटे में, और अच्छे से पहले मिक्स कर लिया था सारे मसालों को, फिर नमक ऐड कर दिया है, और फिर अच्छे से भूनूंगी मैं इसे। जैसे हम लोग सूजी नहीं भूनते हैं उपमा या क्या बोलते हैं हलवे के लिए, तो उसी टाइप से हमें इसे भूनना है, कम आँच पर अच्छे से भूनना है इसे, ताकि ये मतलब अच्छे से भून जाए। आटे की स्मेल जब तक नहीं आती है तब तक आपको भूनना है। जैसे हम लोग सूजी की स्मेल आने तक उसके लिए भूनते हैं उपमे के लिए या क्या बोलते हैं हलवे के लिए, तो उस टाइप से ही इसे भूनना है। उससे ज़्यादा भूनना है मैं तो कहती हूँ, उससे ज़्यादा अगर भूनोगे तो बहुत अच्छा टेस्ट भी अच्छा आएगा। और मेन बात तो ये है कि ये चिपकेगा नहीं। जैसे सूजी, जैसे हम लोग पानी डालते हैं तो इतनी ज़्यादा नहीं चिपकती है, बट आटा ना चिपकने लगता है, तो इसी वजह से आटे को अच्छे से भूनना पड़ता है पहले। उसके बाद हमें उसमें पानी ऐड करना पड़ता है, तो पानी थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा। जैसे हम लोग इसके लिए उपमा वगैरह के लिए बनाते हैं, मतलब डालते हैं उसमें, वैसे ही पानी थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा और उसके बाद उसमें ऐड करना है। उपमा वगैरह में या हलवा वगैरह में तो हम लोग पानी डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, वो सोक कर लेता है, मतलब जो सूजी होती है वो सोक कर लेती है, बट आटा सोक नहीं करता है जल्दी पानी को। इसी वजह से थोड़ा थोड़ा ही पानी आपको ऐड करना है, इसका ध्यान रखना है आपको, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। और हाँ, मैं भूल गई थी कि मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर आपको ऐड करना है, ये बताना भूल गई थी, बट आपने देख ही लिया तो इतना ज़्यादा वो नहीं है। मैं बातों बातों में भूल ही गई आपको बताना कि मिर्च पाउडर और मिर्च पाउडर तो आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, और उसके बाद आपको हल्दी वगैरह ऐड करनी है, थोड़ा सा धनिया पाउडर वगैरह ऐड करना है, और उसके बाद आपको आटा ऐड कर देना है। तो इस तरह से इसे अच्छे से चला लेना है, अच्छे से भून जाने के बाद थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के अच्छे से चला लेना है। पानी सिर्फ ध्यान में रखना है कि पानी थोड़ा 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 ही डालना है आपको, एकदम से नहीं डालना है, नहीं तो ये चिपकने लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा डालना है, मतलब आप ऐड करते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब ये नाश्ता बन गया है। तो इस तरह से इसमें पानी मैंने ऐड कर दिया था, अच्छे से वो पानी सोख भी कर लिया था। और उसके बाद मैं थोड़ी सी चीनी ऐड करूँगी टेस्ट बढ़ाने के लिए। थोड़ी सी अगर चीनी आप किसी भी चीज़ में ऐड करते हो ना ऊपर से, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और बहुत टेस्ट बढ़ जाता है, मतलब एक्चुअली नाश्ते का टेस्ट बढ़ जाता है। मैं तो पोहा वगैरह में, उपमा वगैरह में डालती हूँ। किसी किसी को नहीं पसंद है तो मत डालिए, बट हमें पसंद है, टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यार। अगर आप थोड़ी सी चीनी ऐड करते हो तो, ज़्यादा चीनी नहीं ऐड करनी है, थोड़ी सी चीनी 2-3 चम्मच ऐड करनी है छोटे वाले, और बस इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से, और इसे ढक के रख देना है थोड़ी स्टीम आने के लिए। तो थोड़ी देर ढक के रख देंगे, उसके बाद स्टीम आने के बाद उसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता गार्निशिंग के लिए डाल देंगे, और धनिया पत्ता से मतलब दिखने में अच्छा दिखता है इसी वजह से, नहीं तो आजकल धनिया पत्ता की टेस्ट कहाँ आती है, मतलब पहले जैसे धनिया पत्ता रहते थे, या घर का धनिया पत्ता अलग ही होता है। जैसे हम लोग ना गार्डन में, किसी ने मुझे बोला था यार कि गार्डन में आप कुछ चीज़ें लगाओ, तो मैंने आपको पिछली बार, उन्होंने शायद देखे नहीं होंगे मेरे ब्लॉग, तो न्यू सब्सक्राइबर होंगे या कोई, तो पता नहीं उनको नहीं पता होगा, बट आप लोगों को पता है जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं गार्डन में कुछ ना कुछ लगाती रहती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा शौक है गार्डनिंग का, तो उसमें हम लोग कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं, कभी मेथी हो गई, धनिया हो गया, तो ऐसे कुछ ना कुछ, मिर्ची का पेड़ भी लगाया था पिछली बार, पालक भी लगाया था, बहुत सारी चीज़ें लगाते रहते हैं। तो ये आप लोग सोच रहे होंगे माही तो स्कूल नहीं जा रही है, तो ये टिफ़िन किस लिए पैक हो रहा है? तो ये पैक हो रहा है मेरे हस्बैंड के लिए। एक्चुअली वो आजकल
उनकी ड्यूटी मैंने आपको बताया था कि बढ़ गई है, तो उनकी ड्यूटी अब डबल हो गई है, जो ड्यूटी वो कर रहे थे पहले तो उसके डबल हो गई है कोरोना की वजह से ड्यूटी उनके, क्योंकि वहाँ पर जो आदमी थे वहाँ पर के जो आदमी है वो दूसरी जगह डाल दिए हैं और इन दोनों को ड्यूटी करनी पड़ रही है वहाँ पर, इसी वजह से इन दोनों की जो ड्यूटी है वो बढ़ गई है, मतलब टाइम बढ़ गया है, डबल का टाइम हो गया है, तो इसी वजह से सुबह से जाते हैं तो दोपहर में ही आते हैं, तो इसी वजह से मैं ना उनको टिफ़िन पैक करके दे देती हूँ, तो यहाँ पर दही पैक कर रही हूँ, मतलब इसके साथ ना दही और चीनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, दही चीनी खा के देखना इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, या तो मट्ठा वगैरह भी बना सकते हो आप, मट्ठा भी खा के देखना, मट्ठा भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट हम लोग ना दही चीनी खाते हैं इसके साथ, तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है दही चीनी खाना इसके साथ, तो इसी वजह से इनको मुझे दही चीनी ही देना पड़ता है, और इनकी वजह से मुझे आदत लग गई दही चीनी खाने की इसके साथ, तो यहाँ पर दही चीनी पैक कर रही हूँ और उसे अच्छे से पैक करके इस वाले डिब्बे में भर के मतलब डाल के दे दूँगी उन्हें पैक करके। तो ये हो गया इनका लंच टिफ़िन पैक, मतलब लंच टिफ़िन नहीं, ब्रेकफास्ट टिफ़िन भी बोल सकते हो, लंच टिफ़िन भी बोल सकते हो, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट ये घर पे करके जाते हैं वही उसमें से ही, और इस तरह से थोड़ा सा टिफ़िन लेके जाते हैं कभी कभी, एक्चुअली ना डेली रोटी सब्जी बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसी वजह से सुबह सुबह कभी कभी ऐसा भी कुछ बना के दे देती हूँ, तो ये बोलते हैं कि रोटी सब्जी तो उधर से आने के बाद भी खा सकता हूँ मैं, तो कुछ नाश्ते में ही दे दिया करो, तो मैं थोड़ा सा लाइट लाइट वहाँ पर खा लिया करूँगा, और फिर मतलब घर पे आने के बाद तो लंच करना ही होता है, दोपहर में आते हैं उसके बाद हम लोग लंच करते हैं, तो यहाँ पर बन गई है मेरी सुबह की गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, जैसे कि आपको पता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अदरक वाली चाय, और इनको भी आदत लगा दी है मैंने अदरक वाली चाय की, एक्चुअली जब तक मुझे अदरक वाली चाय नहीं मिलती है और मेरी दिन की शुरुआत अदरक वाली चाय से नहीं होती है तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता है, ऐसा लगता है कि सुबह मेरी हुई ही नहीं और नींद आने लगती है, कुछ अजीब सा लगने लगता है, तो ऐसे होता है, तो थोड़ी सी मैं इनके साथ चाय पी लेती हूँ, जब ये ड्यूटी जाता है ना तो मुझे कितनी भी तेज़ नींद आए या कुछ भी हो बट मैं थोड़ी चाय इनके साथ पी लेती हूँ, मतलब उनको भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, वहाँ पर हम लोग बैठते हैं थोड़े से बातें वातें होती है हमारी, उस टाइम थोड़ा सा टाइम मिलता है, एक्चुअली इस टाइम ना बच्चे सोते हुए रहते हैं और हम लोग उठाते भी नहीं है, आजकल बच्चों की छुट्टियां है तो हम लोग नहीं उठा रहे हैं बच्चों को, और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, ये थोड़ी सी बातें बातें करते हैं इधर उधर की, हम बातें बातें करते हैं उसके बाद ये ड्यूटी चले जाते हैं। भाई बेटा आवाज़ कम करो बेटा। सो गाइस काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ आपसे, और आजकल ऐसा ही हो रहा है, ज़्यादातर टीवी देखी जा रही है और क्या बोलते हैं नींद ली जा रही है, एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, नींद पूरी हो रही है मेरी, रात को तो नींद पूरी नहीं होती है बट दोपहर में मैं सो जाती हूँ, दोपहर में इतनी अच्छे से नींद लेती हूँ, रात की जो कसर वो निकल जाती है दिन में, तो इस वजह से दिन में बहुत ज़्यादा अच्छे से नींद लेती हूँ, तो इस वजह से दोपहर में ना आपसे मिल नहीं पाती हूँ, सुबह जो शूट होता है वो शूट होता है और दोपहर के बाद डायरेक्ट शूट होता है, बट वो भी अगर वर्कआउट करती हूँ उसके बाद, मतलब दोपहर में 5-5:30 बजे रश्मि आ जाती है, उसके बाद हम लोग वर्कआउट करते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बात कर पाती हूँ, तो डायरेक्टली मैं अब भी बात कर रही हूँ आपसे, तो अभी बज रहे हैं 7:30 और 7:30 बजे मैं आपसे बात कर रही हूँ, यहाँ पर माही टीवी दिखती जा रही है, माही का तो टीवी देखना बंद ही नहीं हो रहा है यार, माही को अभी डांटना पड़ेगा, लॉकडाउन है, लॉकडाउन ही कर रही है, माही को डांटना पड़ेगा अभी आपको। हाँ नींद तो पूरी हो रही है, माही भी आजकल सो रही है, नहीं तो माही तो बिल्कुल दोपहर में सोती नहीं थी, अद्विक भी नहीं सोता था, बट माही सो रही है, अद्विक सो रहा है, उसके पापा की नींद पूरी हो रही है, वो भी थोड़ी देर, वो ये तो नहीं सो रहे, आप बहुत कम सो रहे हो है ना, आप कहाँ जा रहे हो, जिम लगा ही था, शाम को जिम कर रही है, क्योंकि इनका तो टाइम मिल नहीं रहा ड्यूटी की वजह से, ड्यूटी बढ़ गई है इनकी तो इसी वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, तो अभी शाम को जब टाइम मिलता है हमारा वर्कआउट हो जाने के बाद, हम तो पूरा मतलब टेरिस भी ले लेते हैं, उसी वो वाली रूम भी ले लेते हैं, और कभी कभी जिम रूम में भी थोड़ा सा साइकिलिंग वगैरह मैं कर लेती हूँ, तो इसी वजह से थोड़ा सा घर पे वर्कआउट हो रहा है, आजकल वर्कआउट अच्छे से हो रहा है मेरा, मतलब मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा कि मैं जिम नहीं जा रही हूँ, और जिम जाने से ज़्यादा अच्छा वर्कआउट मेरा घर पे हो रहा है आजकल, क्योंकि रश्मि आ रही है, रश्मि को बोर हो रहा है तो रश्मि आ जा रही है, आपने कौन सा ड्रेस पहना है, ये दूसरा, दूसरा तो है मुझे, ये क्या है, पटाखे, पटाखे, हाँ हाँ, और हाँ आज है रामनवमी, बच्चों ने पटाखे फोड़े उस टाइम मैं शूट नहीं कर पाई, और आज रामनवमी है, हैप्पी रामनवमी टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी हैप्पी रामनवमी, रामनवमी टू ऑल ऑफ यू,
आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा, और उसके बाद तो फिर वर्कआउट हो जाने के बाद मैं नहा लेती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद अच्छा लगता है, फिर उसके बाद मैं डिनर बनाती हूँ। और हम लोग जब ऊपर का खाली कर देते हैं तो ये जिम रूम में जाते हैं और फिर ये, हाँ पता है बेटा, फिर ये वर्कआउट करते हैं अपना। तो इनका वर्कआउट को डेली रहता है, बट इनको जब टाइम मिलता है तब ये वर्कआउट करते हैं। आप लोगों ने जिम रूम तो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको जिम रूम दिखा दूंगी। मेरी ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, बट जो भी है मेरे काम आ जाता है, मतलब उससे मैं वर्कआउट कर पाती हूँ, तो मैं आपको दिखा दूंगी अगर आप कमेंट करोगे तो। और उसमें इनके डंबल्स वगैरह भी है, मेरे काम की चीज़ें भी है, तो बहुत लोगों ने देखी होगी, बहुत लोगों ने नहीं देखी होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको देखनी है तो। फिर कुछ ना कुछ बीच में बनता है, तो ये बन रहा है बीच में, भेड़ बन रही है एक्चुअली यहाँ पर। फिर हम लोगों ने वर्कआउट वगैरह किया था, वर्कआउट के बाद कुछ खाने का मन कर रहा था, ब्रेकफास्ट वगैरह, तो मैंने वो क्या बोलते हैं आटे का जो बनाया था उकड़ पिंडी, वो नहीं खाई थी। क्यों नहीं खाई थी उसका रीज़न भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल डलता है और इतनी ऑयली चीज़ें मुझे अभी खानी नहीं है, जिसकी वजह से मैंने नहीं खाई थी वो, और आजकल नहीं खा रही हूँ। थोड़ी सी ऑयली चीज़ों का ध्यान रख रही हूँ, मैं इतनी ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खा रही हूँ आजकल, क्योंकि वर्कआउट कर रही हूँ इसी वजह से। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग वर्कआउट करते, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, जब वर्कआउट करते हैं ना उसी टाइम हमें रियलाइज़ होता है कि हम मतलब कुछ खा रहे हैं, वरना हम लोग कुछ नहीं खाते हैं ना, मतलब जब वर्कआउट नहीं करते हैं ना तो हम लोगों को इतना वो नहीं रहता है कि हम लोग कुछ खा रहे हैं या गलत सलत खा रहे हैं। तो यहाँ पर भेड़ में बताना भूल गई आपको बातों बातों में कि मैंने पहले मुरमुरे जो है उसे पीले कर दिए थे, मतलब थोड़ा सा हल्दी डाल के भून लिया था अच्छे से, और थोड़ा सा नमक डाल के, और उसमें ना मैंने थोड़ा सा वो डाला है, क्या बोलते हैं, चूड़ा डाला है, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा प्याज, टोमेटो और थोड़ा सा तेल ऐड किया है, लाल मिर्च ऐड की है, मतलब मिर्च पाउडर ऐड किया है, नमक ऐड किया है, और उसमें थोड़ा सा ऐड किया है टोमेटो सॉस, और उसके बाद मैं चिली सॉस ऐड करूँगी उसमें। चिली सॉस कौन सा, ग्रीन चिली सॉस, तो वो ऐड कर दूँगी। आप रेड चिली सॉस भी ऐड कर सकते हो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, बट ऐसे अगर आप बनाओगे ना तो बाहर जैसे टेस्ट आएगी। इस तरह से ज़रूर बना के देखना, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी टेस्ट आती है और बहुत पसंद आएगी आपको, मुझे आप खुद कमेंट करके बताओगे कि बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है करके। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी बनी है, और मैं तो श्योर हूँ कि आपको अच्छी लगेगी ही। तो उसके बाद इस तरह से आपको 2 स्पून लेके अच्छे से मिक्स करना है आपको सारी चीज़ों को, तब आपकी भेड़ अच्छी बनेगी और उसके बाद ये खाने के लिए रेडी हो जाएगी। एक्स्ट्रा आप चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो, जो भी चीज़ें आपको पसंद है, थोड़ा सा भेल तो यही होता है ना, थोड़ा सा मिक्सचर होता है सारी चीज़ों का, तो आप उसमें ऐड कर सकते हो सारी चीज़ें, मतलब जैसे कि स्प्राउट्स हो गए, ये सारी चीज़ें, मतलब स्प्राउट्स ही ऐड कर सकते हैं, दूसरा कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा सा टोमेटो वगैरह ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। एक्चुअली आज मैंने खिचड़ी बनाई है, क्योंकि इनको खिचड़ी खाने का मन कर रहा था, सो कुछ लाइट बना दो बोल रहे थे, तो इसी वजह से खिचड़ी बना दे, और खिचड़ी हम लोग खाने वाले हैं अभी। खिचड़ी के साथ क्या बनाओ, मिर्ची तड़का, मिर्ची का तड़का वही बना देती हूँ थोड़ा सा, और आज लाइट लाइट से ही डिनर होगा, क्योंकि सुबह हेवी हो जाना इसी वजह से थोड़ा सा लाइट होगा, और दिन भर कुछ ना कुछ खाना हो ही जाता है, कुछ ना कुछ खाते ही है अलग अलग, कुछ आज तो भेड़ खाई तो बीच में कुछ ना कुछ हो ही जाता है, इसी वजह से फिर अभी सोच रहे कि लाइट डिनर करेंगे, तो इसीलिए खिचड़ी बनाई है, वो भी सिंपल वाली, बिल्कुल कुछ भी नहीं उसमें डाला है, सादी जो खिचड़ी नहीं होती है वही बनाई है। तो चलिए अभी डिनर कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। और आजकल ना फ्रूट्स से भी डर लग रहा है यार, फ्रूट्स खाने से भी डर लग रहा है। फ्रूट्स तो मतलब इस सीज़न में तो फ्रूट्स खाना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, इस सीज़न में क्या, कोई भी सीज़न में फ्रूट्स खाना अच्छा ही होता है, बट आजकल डर लग रहा है। मैंने कुछ वीडियोस देखे थे कि उसमें कुछ फ्रूट्स वाले थे, मतलब फ्रूट्स का ही वीडियो था, फ्रूट्स वाला था, और वो कुछ कर रहा था, तो थोड़ा सा मतलब मैं आपको बताना नहीं चाहती हूँ, अगर आपने देखा होगा वो वीडियो तो आपको पता होगा। तो इस तरह से मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है आजकल, इसी वजह से मैं बार बार ना फ्रूट्स वॉश कर रही हूँ। अद्विक क्या लगा रहे हो, लिटिल सिंगम लिटिल सिंगम तो बहुत मारता है लात शेर को। किसको, शेर को, शेर को। हाँ। कैसा रहता है दिखाओ, ऐसा टूपी जैसा, टूपी जैसा। अरे 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 अरे, मैं डॉम्बल की वीडियो लगा रहा हूँ। नहीं, ये को लिटिल सिंगम।
अच्छा अच्छा हाँ दिख गए, बंदर मामा भी है। हाँ दिख गए। और आप सोओगे कब? माँ। हाँ? और मंकी भी है। हाँ? उसके साथ। हाँ? आप सोओगे कब? अब ना। कब? आप कब? चलो सो जाओ फिर। नहीं नहीं क्यों? हाँ। नहीं क्यों? नहीं सो जाता। नहीं सोचा था? हाँ? क्यों नहीं सोना है? चलो सो जाओ बेटा जल्दी से। नहीं। ले लो अम्मा के हाथ का फोन। चलो सो जाओ। नहीं मामा। सो जाते हैं अभी, मतलब मैं तो नहीं सोऊंगी, बच्चों को सुला देने वाली हूँ क्योंकि वीडियो एडिट करना है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। 11:30 बज गया है, मतलब 12:45 ही बजने वाला है। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड इनको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट की रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। अगर आप में से कोई मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।